पीलीभीत के डीएम वैभव श्रीवास्तव द्वारा बीसलपुर तहसील जाकर वहां चल रहे सरकारी कार्यों का जायजा लिया गया। काम में कमियों के चलते जांच के आदेश के साथ ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया गया। साथ ही कामधेनु योजना के तहत सरकारी पैसों के दुरुपयोग को लेकर भी डीएम ने नाराजगी जताई थी, जिसके चलते स्थानीय विधायक रामशरण वर्मा नाराज हो गए और डीएम के खिलाफ तरह तरह के आरोप लगाकर सीएम को पत्र लिख डाला। मामला कुछ यूं है कि जिला अधिकारी वैभव श्रीवास्तव बीसलपुर गए थे, वहां पर उन्होंने वहां चल रहे सरकारी कार्यों को देखा, काम में कमी को लेकर अपनी नाराजगी जताई, साथ ही जांच के आदेश दिए। साथ ही कामधेनु योजना के तहत काम कर रहे विधायक रामशरण वर्मा द्वारा उस पर बारात घर बनवाना शुरू कर दिया। नाला निर्माण में कमियों को देखते हुए जिला अधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। यह फर्म विधायक रामशरण वर्मा के करीब राम नरेश वर्मा की है। लगाए जा रहे हैं कि आपने उनके प्रोटोकॉल का ख्याल ना करते हुए उनके घर की वीडियोग्राफी कराई, क्या मामला है पूरा? नहीं, माननीय विधायक जी का पूरा सम्मान है और उनके घर की कोई भी इस तरह की फोटोग्राफी नहीं कराई गई है। माननीय विधायक जी के घर के पास ही डूडा के कुछ कार्यों का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया था और वहीं पर कुछ मीडिया के साथियों द्वारा ही वहाँ पर बताया गया कि जो एक डेयरी परियोजना है उसके धन का प्रयोग न करते हुए बारात घर का निर्माण कराया गया है, तो वहाँ पर उसका हमने एक बार निरीक्षण किया था, परंतु हम प्रवाइस के अंदर नहीं गए थे, हमने बाहर सड़क से ही देखा था और प्रथम दृष्टया ये पाया गया था कि वहाँ पर एक बारात घर का निर्माण हुआ है डेयरी योजना के स्थान पर। साथ ही वहाँ पर एक शिकायत ये भी आई कि जो निजी परिसर है उसके अंतर्गत नगर पालिका को इंटरलॉकिंग जो वहाँ पर हुई है उसका भुगतान करने का दबाव बनाया जा रहा है, तो उस पर ईओ नगर पालिका से लिखित आख्या भी ले ली गई है कि इस तरह का कोई भी भुगतान नगर पालिका द्वारा नहीं किया जाएगा क्योंकि ये निजी परिसर में है। तो हम माननीय विधायक जी के जो परिसर है उसके भीतर नहीं गए हैं, माननीय विधायक जी का पूरा सम्मान है, लेकिन यदि शासकीय धन का कहीं पर भी किसी भी स्तर पर दुरुपयोग होता है तो उसके लिए जिला प्रशासन इस दुरुपयोग को रोकने के लिए तत्पर है। और केवल एक योजना नहीं, डेयरी योजना की जितनी भी जनपद में योजनाएँ हैं उसको हमने सीबीओ को निर्देशित किया है कि समस्त इकाइयों का परीक्षण कर लें और जहाँ जहाँ शासकीय धन का दुरुपयोग परिलक्षित होता है वहाँ पर शासकीय धन की वसूली विधिसम्मत रूप से की जाए। वहीं विधायक खुद यह मान रहे हैं कि उन्होंने कामधेनु योजना के तहत जो दूध डेयरी खोली थी उसको बंद करके बारात घर बनवा लिया है। विधायक कह रहे हैं कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। बीसलपुर रामशरण वर्मा का इस तरह से जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव पर आरोप लगाना जनपद में चर्चा का विषय बना हुआ है। बात ये आ रही थी कामधेनु योजना के तहत, बोलिए, उसी पर आता हूँ। जब उनके दिमाग में हमारे विरोध में बीज अंकुरित हुआ तो उन्होंने हमारे यहाँ जाकर के हमारे आवास पर इन्होंने छापा डाला, जो कि विधानसभा संचालन एवं कार्य नियमावली 1958 के अंतर्गत की धारा 67 के अंतर्गत अपराध है ना, उसके संबंध में उस नियम के अंतर्गत कार्रवाई डीएम के खिलाफ की जा रही है। हमारे यहाँ जिस परिसर में मैं रहता हूँ वो परिसर हमारे नाम तो है नहीं, हमारी पुत्र वधु के नाम है, उन्हीं के नाम से डेयरी थी। वो डेयरी एक साल लगभग हो गया तब से बंद चल रही है क्योंकि उसमें घाटा चल रहा था। मुझे लग रहा है जनपद में सारी डेयरियाँ लगभग बंद हैं, कोई डेयरी काम जैन की चल नहीं, शायद बिरले कोई चल रही होगी, उससे बहुत सारे लोगों को घाटा हुआ। इस क्रम में वो डेयरी से एक साल से बंद है, तो इन्होंने वहाँ जाकर के छापा डाला। अरे कोई बात थी तो मुझे बताना चाहिए था, जहाँ मैं रहता हूँ जहाँ मेरा प्रवास रहता है वहाँ पर जाकर के छापा इनको नहीं डाला। सर बात यह आ रही कि डेयरी की जगह पर आपने बारात घर बनवा दिया, ये बात आ रही है। बारात इसलिए बनाया गया, जब डेयरी समाप्त हो गई एक साल पहले तो बारात घर बना दिया, क्या इसमें चोरी है, क्या गलत है इसमें? इसमें कोई गलत तो हुआ नहीं। अब देखिए इसमें आपको बताएं, ये केंद्र सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की ये खनन नीति है।